मेरा पेपर हो गया। कुछ ही देर में प्यून अंकल हमारे क्लास के आंसर शीट के बंडल यहाँ से लेके आते होंगे, बराबर हम उसमें से ढूंढ कर बल्लू का पेपर निकालेंगे और उसके कुछ पेजेस फाड़ देंगे। बल्लू, अब तेरी जीत के आंसर शीट का पेपर हमने निकाल लिया और उसे फेंक दिया है। हम सब रिजल्ट को लेके कितने नर्वस है, पर मोंटू को देख, उसे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। देखो कैसे हंस रहा है। करने दे स्माइल, क्योंकि बाद में वो रोने वाला है। तू ऑयल की बोतल तो लाया है ना? हाँ बॉस लाया हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है, अरे गंजे तो जा फिर बेवकूफ। गंजा मैं नहीं, गंजा बल्लू होगा, समझा? चल ला ऑयल ले। बल्लू लल्लू ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑयल लाया हूँ। पता है मैंने मेरे पापा से ब्राजील से मंगवाया। हाँ तुम ना जब गंजे हो जाओगे ना तब इसे अपने सर पे लगाना, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। ए मोंटू ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना पीट दूंगी। तू पीटेगी? हाँ हाँ बच्चा। गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं जानता हूँ कि आप सब अपने अपने रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबका इंतजार खत्म होता है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर की ट्रॉफीज। रानी परी हमें डर है कहीं मोंटू के अंक बल्लू से ज्यादा ना आ जाए। रानी परी हमारा दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है, हम ये नहीं देख पाएंगे, जब परिणाम घोषित हो जाए तब हमें बता दीजिएगा। बाल परी हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम सब भी बालवीर को जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उस पल के आने तक हम सबको अपनी हिम्मत को बना के रखना होगा और बालवीर पर पूरा भरोसा रखना। परी भयंकर। क्या है तू चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, बस चाहता था मैं कहना आपसे कि मत देखिए आप इस जादुई कुंड में, कहीं जीत गया बालवीर तो फूट जाएगी आपकी आंखें और बैठ जाएगा आपका दिल। चुपचाप वहाँ खड़े रहो और मुझे देखने दो। हेलो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल हमारे क्लास में मेहर फर्स्ट आती है, लेकिन इस साल मेहर को एक ऐसे बच्चे ने चैलेंज किया है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चों इस बार मैं सबके बताने के बजाय उन 5 बच्चों के मार्क्स कंपेयर करूंगा जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, जो कि मार्क्स है इस तरह से। हिस्ट्री में मेहर को मिलते हैं 91, मानव को मिलते हैं 85 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 75, मोंटू को भी मिलते हैं 91। ये तो रब। और बल्लू, बल्लू को मिलते हैं 93 मार्क।
बल्लू के मार्क्स तो मेहर से भी ज्यादा है। इसका मतलब बल्लू ने मेहर को टक्कर दे दी। अब तो अब गए बॉस काम से। आगे चले। हाँ। यस सर। मैच के मार्क्स कुछ इस प्रकार है, मानव को मिलते हैं 96 मार्क्स, मेहर को मिलते हैं 90, सलोनी को मिलते हैं 87, मंटू को भी मिलते हैं 96 और बल्लू को 98 मार्क। यस। और आगे चलते हुए इंग्लिश में मेहर को मिलते हैं 85, मानव को मिलते हैं 80 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 74, बल्लू को मिलते हैं 87 मार्क्स, और मांटू को फिर से मिलते हैं 85। बॉस, लगता है वो एक बॉटल आप ही के काम आने वाली है। हिंदी और साइंस में भी बल्लू, मेहर और मांटू से आगे हैं 83 मार्क। और अब बचता है सोशल साइंस का पेपर, जिसमें मेहर को मिलते हैं 85 मार्क्स, मानव को मिलते हैं 86, सलोनी को मिलते हैं 91 और मंटू को भी मिलते हैं 91 मार्क्स और बल्लू को मिलते हैं 73 मार्क्स। मुझे कुछ इतने कम अंक कैसे मिले? और अब आई ग्रैंड टोटल की बारी, जिसमें कि फर्स्ट है मेहर डगली। यस 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 यस, वेरी गुड मैन। सेकंड है का डर था वही हुआ रानी परी। रानी परी, अब तो बल्लू को जाने हमारे बालवीर को शर्त के मुताबिक अपने बाल कटवाने। हार गया, हार गया बालवीर। नाचो, गाओ, मनाओ खुशियाँ, बांटो मिठाइयाँ, क्योंकि है मिली आपको पहली बार जीत। बस अब तो बालवीर के गंजे होने का इंतजार है। गंजे का फर्स्ट ट्रॉफी जाती है मेहर जी, जी। और सेकंड जाती है मंटू लखानी को। यस, थैंक यू सर।
भी जाती है बल्ले को, बल्लू तालियां। ये बल्लू लल्लू बिना फर्स्ट प्राइज बल्लू। ए बिद्दी लोग कहाँ जा रहे हो? रुको, क्या हुआ? शर्त भूल गए? आज बल्लू की टकला सेरेमनी होने वाली। अंकल किसके बाल काटने हैं? अरे अंकल जी, मेरे बाल नहीं काटने, उस बल्लू लल्लू के बाल काटने। बल्लू लल्लू बेटा तू डरना मत, ये अंकल है ना तुम्हारे ठीक से बाल काटेंगे और तुम्हें तगड़ा कर देंगे, उसके बाद तुम बहुत क्यूट लगोगे। देख मोंटू, प्लीज ये सब रहने दे, अगर तू शर्त हार जाता तो भी हम तुझे बाल कटवाने नहीं बोलते। क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, पर मोंटू तो ग्रिटिश लखानी अच्छा बच्चा नहीं है, इसीलिए शर्त के मुताबिक बल्लू लल्लू को गंजा होना पड़ेगा। अंकल शुरू हो जाओ। नहीं, अगर बाल काटने तो पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे बाल काटो। अंकल आप एक काम कीजिए, चारों के बाल काट दीजिए। मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट का पन्ना है, ये यहां कैसे आया? एक मिनट, क्या हुआ बल्लू? मोंटू ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फटा हुआ है। हाँ? ये यहाँ कैसे आया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। मानो मेहर सलून, ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फाड़ दिया गया। हाँ? जिससे मुझे सोशल साइंस के पेपर में कम मार्क्स मिले। तो मोंटू सच सच बताओ, ये पेपर यहाँ कैसे आए? अरे बिद्दी लोग मुझे क्या पता, इसने फाड़ा होगा। हाँ, पीटर, मैंने कुछ नहीं किया। यही सही मौका है, क्योंकि मोंटू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सबूत लाना ही पड़ेगा। डुबा डुबा एक खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो बालवीर, खुश रहो डुबा डुबा। मोंटू बच्चों के साथ बेमानी कर रहा है और इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। वो मैं तैयार, कहो है क्या करना मुझे? डुबा डुबा तुम्हें बच्चों के बीच में बल्लू बन के रहना होगा और तब तक मैं बालवीर बन के बच्चों की सहायता करूंगा। है ठीक, ये लो बन जाओ बल्लू। अब पता चल जाएगा कि आखिर सच है क्या। हाँ,
मैंने की है। हाँ, की है तुमने चीटिंग की है। रुक जाओ बच्चों, बालवीर अच्छा तुम आ गए। देखो इस मोंटू ने बल्लू के साथ चीटिंग की है। मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी, मैं चाहिए तो केवल की कसम खाता हूँ। बॉस मैं झूठी कसम मत खाओ, मुझे कुछ हो गया तो। देखो बालवीर, देखा इसका मतलब कि केवल को ही पता है कि इस मोटे ने चीटिंग की है। बालवीर इस मोटे को छोड़ना मत। बालवीर जी आप इनकी मत सुनिए, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये अभी पता चल जाएगा मोंटू। बल्लू वो कागज का पन्ना मुझे दो। ओ कागज के पन्ने, मुझे बताओ कि सच क्या है। इसे देखने के बाद तुम कुछ कहना चाहोगे? बालवीर मुझे तो लगता है कि एक ही नहीं बल्कि सारे पेपर में इस मोटे ने चीटिंग की है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है बालवीर, क्योंकि जो हर साल मुश्किल से पास होता है उसे आज 90% है और वो इस बार सेकंड पोजीशन पे आया। और हाँ बालवीर, मैंने ये भी नोटिस किया कि मैथ में मेहर और मोंटू को सेम मार्क्स मिले, और साइंस में भी मानव और मोंटू को सेम मार्क्स मिले, और सोशल साइंस में भी मुझे और मोंटू को सेम मार्क्स मिले। करेक्ट बालवीर, पहले तो मुझे लगा था कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब मोंटू की चालबाजी है। ये सब सुनने के बाद तुम खुद सब बताओगे या फिर मैं? बालवीर जी मैंने कुछ नहीं किया है, सच्ची में प्रॉमिस, मैंने चीटिंग नहीं की है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? बालवीर जी नहीं। मोंटू जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगे ये दस्ताने तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। बालवीर जी सच्ची में मैंने और कुछ नहीं किया, सॉरी बालवीर जी। बता दो मैं सब सच सच बता दो। एक्चुअली मेरे पास एक वाईफाई पेन था जो मैंने महर को दी, तो महर जो लिखती थी वो मेरा वाईफाई पेन कॉपी कर लेता था। तो तुमने? मैंने ना मानव के ऊपर का जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर मैंने कैमरा चिपका दिया था। हा? तो कैमरे के थ्रू मुझे मानव का पेपर मेरे बॉक्स के स्क्रीन पे दिखता था और फिर मैं उसमें से कॉपी करता था। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। झूठे अभी भी बाकी है। बोल दो। किया थोड़ा सा ज्यादा किया। बता दो लास्ट है, प्लीज मत मारना। वो क्या है ना, सलोनी का पैड केवल को मैंने ही तोड़ने बोला था, और फिर उसके बाद मैंने सलोनी को एक पैड दिया जो एक्चुअल में एक स्कैनर था, और मेरे पास जो पैड था वो प्रिंटर था। तो सलोनी जो भी अपने पैड पे लिखती थी ना वो मेरा पैड मेरे आंसर शीट पे कॉपी कर लेता था। बस बालवीर जी बस, सॉरी गलती हो गई बालवीर जी। मोंटू तुमने ये बहुत ही गलत किया, लेकिन इस सब में
किसी बुरी शक्ति ने तुम्हारी मदद की और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा एक साल बिगड़ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम फिर से पढ़ाई करोगे और परीक्षा भी फिर से दोगे। हाँ, और वो भी बिना किसी की मदद के। अरे बादिर, वो मोंटू ने जो बल्लू के साथ शर्ट लगाई थी उसका क्या? हाँ बालवीर, इसने लगाई थी छत मुझसे, होना पड़ेगा अब इसे भी गंजा। मोंटू भी गंजा होगा। हाँ, होना पड़ेगा इसे भी गंजा। बच्चों बच्चों देखो, शांत हो जाओ। प्लीज मैन, मुझे जाने दो प्लीज मैन। मैंने तुम्हारे मुसीबत के टाइम पे पहन दिया था तुम्हें, और सलोनी तुम्हें तो मैंने पैड दे दिया था। प्लीज मुझे गंजा मत करो प्लीज। ए मोंटू, ये जाने से तुझे माफ कर भी देंगे, लेकिन मानव द ग्रेटेस्ट डगली तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अंकल इधर आओ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबाए। हूँ मैं तो जा रहा, लेकिन मत छोड़ना उस मोंटू को बिना गंजा किए। आपके 100 रुपए और 100 रुपए टिप इनकी तरफ से। हाँ। और बॉस आपके लिए ऑयल, आखिर में आप ही के काम आया। वो ब्राजील वाला है ना? थैंक्स। मेंशन नॉट। मोंटू आगे से एग्जाम में चीटिंग करेगा? नहीं, कभी नहीं करूंगा, टेबल की कसम। ए तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? हाँ? नहीं नहीं, मैं भी मोंटू बॉस की कसम खाता हूँ कि आज के बाद ना कॉपी करूंगा और ना करवाऊंगा। चलो मोंटू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.